दोस्तों एलिसा हिली ने बीते दिनों महिला वर्ल्ड कप में 170 रन की रिकॉर्ड पारी खेलकर इतिहास रचा था। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व कप जीता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर की कहानी आंखें नम कर देने वाली है। दोस्तों 12 साल की उम्र में ही हिली ने अपनी बड़ी बहन को खो दिया था। अपने अजीज को खोने के गम और दुख से उभरने के लिए क्रिकेट एक जरिया बना और फिर इस खेल में ऐसा रम गई कि एक के बाद एक इतिहास रचती गई। हिली की यह कहानी त्रासदी से विजय तक की है, लेकिन इसमें जिंदगी का हर रंग छुपा हुआ है। दोस्तों एलिसा जिन हिली का जन्म 24 मार्च 1990 को गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में हुआ था, हिली ग्रेग की बेटी है जो क्वींसलैंड टीम के सदस्य थे, जबकि ग्रेग के छोटे भाई इयान 1980 के दशक के अंत से 1999 तक ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट विकेट कीपर थे। गुरु पारिवारिक विरासत के बावजूद और अपने चाचा को ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए देखने के बावजूद उन्होंने कहा कि जब तक वह एक बच्चे के रूप में क्वींसलैंड से सिडनी नहीं चली गई और एक दोस्तों द्वारा खेल को लेने के लिए मना नहीं लिया गया, तब तक उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं हुई थी। दोस्तों उन्होंने एमएलसी हाई स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की और बाद में बार्कर कॉलेज से 2006 के अंत में 16 साल की उम्र में बार्कर कॉलेज फर्स्ट 11 के लिए विकेट कीपर के रूप में उनका चयन हुआ। पहली बार एक लड़की को न्यू साउथ वेल्स में कुलीन निजी स्कूल की कंपटीशन में लड़कों के बीच खेलने के लिए चुना गया था। दोस्तों हिली का लड़कों के बीच खेले जाने की वजह से एक लड़के ने जो पहले से ही उस कॉलेज में पढ़ता था उसने न्यूज चैनलों में एक ईमेल भेज दिया था जिसमें उसने लिखा कि सेव बार्कर कॉलेज क्रिकेट नाउ, जिसमें उसने सिलेक्शन से गुस्सा होकर क्रिकेट टीम में लड़कियों को अलग खेलने की मांग की थी। गुरु बार्कर कॉलेज के स्पोर्ट्स मास्टर ने उस स्टूडेंट की निर्दयी के रूप में निंदा की और कहा कि हिली का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। गुरु ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के एक क्रिकेटर और बार्कर के पूर्व छात्रों ने एलिसा हिली के सिलेक्शन का बचाव किया और ईमेल की लेखक की आलोचना की। समाचार पत्रों में सामाजिक टिप्पणीकारों द्वारा ईमेल करने वाले की भी आलोचना की गई और एलिसा हिली की प्रशंसा की गई। दोस्तों जनवरी 2007 में हिली को अंडर 19 अंतर्राज्यीय कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए न्यू साउथ वेल्स टीम में चुना गया था। तीनों मैचों में ओपनिंग करते हुए अपने तीनों पहले मैचों में 47, 73 और 41 रन बनाए और एक कैच भी लिया। अंत में वह 57.50 की बल्लेबाजी औसत से 345 रन बनाकर रन स्कोरर सूची में शीर्ष पर रही और उसे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अंडर 17 खिलाड़ी नामित किया गया। अगले महीने उन्हें न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेलने के लिए अंडर 23 क्रिकेटरों से बनी ऑस्ट्रेलिया यूथ टीम में चुना गया, जो कि एक सीनियर घरेलू डेब्यू करने से पहले चुनी गई एकमात्र खिलाड़ी थी। उसने तीन मैचों में नाबाद 10, 41 और 63 रन बनाए और एक स्टंपिंग की। हालांकि दोस्तों उन्होंने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के बीच 84 गेंदों में 63 रन बनाकर शीर्ष स्कोर किया, लेकिन यह 22 रनों की हार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह पहले मैच में मध्य क्रम में एक विकेट कीपर के रूप में खेली और अंतिम दो मैचों में ओपनिंग की, विशुद्ध रूप से एक बल्लेबाज के रूप में खेली। दूसरा मैच टाई होने के बाद श्रृंखला 1-1 से समाप्त हुआ। उसके बाद एलिसा हिली ने फरवरी 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। दोस्तों एलिसा हिली जब 12 साल की थी तो उनकी बड़ी बहन अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताया था कि कैसे अचानक माँ ने उनसे बहन का मैच देखने जाने के बारे में कहा और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। आमतौर पर हिली से 4 साल बड़ी करीन को दोस्त के घर पर छोड़ देती थी या उनकी माँ देर से लेने जाती थी ताकि एलिसा घर में अकेली न रहे। हालांकि उस दिन माँ ने एलिसा से कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुझे करीन का मैच देखने जाना चाहिए। और कुछ वक्त बाद हिली के घर में उनकी माँ की दोस्त आई और यह खबर दी थी कि आज रात उसे यहाँ रुकना है क्योंकि उनकी माँ को घर लौटने में देर हो जाएगी। दोस्तों इस घटना को याद करते हुए हिली ने कहा था कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी, लेकिन अगली सुबह माँ जब घर लौटी तो सब कुछ बदल गया। हिली को आज भी याद है कि उनकी माँ ने उन्हें बताया कि बड़ी बहन करीन मैच खेलने के दौरान मैदान पर गिर गई थी और फिलहाल उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और उसकी हालात नाजुक है। माँ की यह बात सुनकर हिली का दिल बैठ सा गया। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे इस बात पर रिएक्ट करें। उन्हें लगा कि बहन की तबीयत खराब होगी और वह जल्द घर लौट आएगी, लेकिन माँ का चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। बाद में हिली को पता चला कि उनकी बहन कोमा में चली गई है। दोस्तों कुछ दिन बाद एलिसा हिली क्रिकेट मैदान पर उतरी और शतक ठोककर जब वापस लौटी तो पिता इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मिलते ही कहा कि डॉक्टरों ने करीन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया है, अगर तुम अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहना चाहती हो तो ऐसा कर सकती हो। एलिसा ने ऑन हर गेम नाम के एक शो पर यह किस्सा पूरा साझा किया था। उस दिन को याद करते हुए एलिसा ने कहा था, यह मीठी याद से जुड़ा दिन था जो एक झटके में कड़वे अनुभव में बदल गया। मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कैसे उस दिन मैं क्रिकेट खेल रही थी और उसके बाद से हर साल शतक लगा रही हूँ। मेरे लिए यह बड़ा अजीब सा एहसास है लेकिन अच्छा भी है। दोस्तों हिली ने महिला वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने न्यूजीलैंड में खेले गए इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 509 रन बनाए। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जमाए, हुए ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने टूर्नामेंट में 70 बाउंड्री लगाई, स्ट्राइक रेट 104 का रहा। वे 5 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत चुकी हैं। तो दोस्तों एलिसा हिली की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।